मेरे भाई लोग न्यू वर्जन के साथ साथ कोनामी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक न्यू ब्रांड न्यू डोमिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट पैक, और जो पैक लिटरली धमाका। इस पैक में दो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, उसमें से आज मैं केविन डी ब्रुइने का रिव्यू करने वाला हूं, और मैं आपको ऐसे चार तरीके दिखाने वाला हूं जिसके साथ आप केविन डी ब्रुइने को बहुत ही आसान तरीके से और इजीली खेल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या प्रोग्रेशन दिया। देखो, मैंने सिंपली ऑटो एलोकेट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पासिंग हो गया, ठीक है। मैंने कुछ पासिंग हटा दिया और मैं वो पासिंग लेकर स्पीड और डेक्सिटी में दे दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो अगर आपको स्पीडी प्लेयर पसंद है एमएफ में। मुझे तो पसंद है। अगर आपको एमएफ से ड्रिबलिंग करना अच्छा लगता है तो आप ये जो एक्स्ट्रा प्रोग्रेशन, इतना पासिंग नहीं चाहिए आपको, एक्स्ट्रा प्रोग्रेशन है वो ड्रिबलिंग में दे देना, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा एडिशनल सी भी देना होगा। अगर आपके पास जीपी है तो अभी दे दो, क्योंकि बेस्ट एडिशनल प्रोग्रेशन जो केविन डी ब्रुइने के लिए अच्छा है वो है डबल टच राइजिंग शॉट, डीपिंग शॉट, हेडिंग नकल शॉट, ठीक है। ये पांच दे सकते हो केविन डी ब्रुइने, क्योंकि बंदे के पास भाई शूटिंग स्किल ही नहीं है भाई, सिर्फ पास ही कट जाता है पूरा मैच, ठीक है। मेरा प्रोग्रेशन देख लो आप, प्रोग्रेशन बहुत मस्त है, क्योंकि यार बंदे के पास 91 बॉल कंट्रोल है, 86 ड्रिबलिंग है, 88 टाइट पोजिशन है, लो पास लॉफ्टेड पास दोनों 90, ऊपर से कर्ल है 88, और ये मैं दिखा रहा हूँ एक वजह से, ठीक है। और यहाँ पे देखो किकिंग पावर है 90 92, बाप रे बाप। अब पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि किकिंग पावर 92 है, लॉफ्टेड पास है 90 और कर्ल है 88। तो ये सब चीज़ किधर काम आता है? ये सब चीज़ काम आता है आपके कॉर्नर पे। तो बेस्ट कॉर्नर आप लेना चाहते हो तो ये केविन डी ब्रुइने से लो, ये कार्ड बहुत मस्त है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कॉर्नर लिया और एकदम ओपोनेंट की शरीर से रू निकाल देगी, ऐसे कॉर्नर करेगा ये बंदा, ठीक है। तो ये पहला तरीका है आप केविन डी ब्रुइने को यूज कर सकते हो। अब सेकेंड तरीका मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, कभी कभी आप होता है कि आप विंग में चले जाते हो और केविन डी ब्रुइने अगर आपको दिखे कि इस पोजीशन में आ गया, सिंपली बॉल दे दो, बॉल दे दिया, आप कुछ मत करो, थोड़ा सा एक मैन आएगा सामने, ड्रिबल कर दो, और जब भी इस पोजीशन में आ जाओगे कुछ मत सोचना, थोड़ा सामने आओ, कर्ल कर दो, ठीक है। 88 कर्ल, 92 किकिंग पावर, ठीक है। आराम से घुसेगा ही घुसेगा, देखो आराम से घुसेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा चीज। देखो, अभी आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो आप कैसे खिलाओगे। अगर आपको पासिंग चाहिए तो केविन डी ब्रुइने के साथ बेस्ट फॉर्मेशन है 4-1-2-3, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मेशन खिलाते हो बस ऐसा पासिंग कर दो। देखो केविन डी ब्रुइने के यहाँ पे मैंने मेरा सेम टारगेट है डी ब्रुइने को बॉल दिया, ऐसे ही दिया आराम से लॉफ्टेड पास, देखो कितना आसान सा स्पेस निकल गया। अब सेम चीज से दूसरी बार देखो कितना आराम से बॉल निकल गया, ठीक है। अब तीसरी बार देखो, जब भी आप देखोगे ना, बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो ग्राउंडेड पास देते हैं, लॉफ्टेड नहीं खेलते, बंदे लोग फुल स्ट्रेच, बंदे लोग ज़्यादा रिस्क विक्स नहीं लेते, ठीक है। तो आप क्या करना है, जब भी देखो डी ब्रुइने बहुत अच्छा एक चीज़ लगा क्योंकि वो दोनों पैर इस्तेमाल करता है, जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, ठीक है, कितनी आसानी से दोनों पैर इस्तेमाल करके वो शॉट दे दिया, ठीक है, पास दे दिया। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़, दोनों पैर इस्तेमाल कर, बंदा दोनों पैर ही इस्तेमाल करेगा हर बार, ठीक है। और बंदे का आउटसाइड कर्ल तो पूछो ही मत, खतरनाक है भाई, ओपोनेंट समझ भी नहीं पाएगा कब पासिंग दे चला गया, ठीक है। तो ये है तीसरा टिप्स। और चौथा टिप्स, अगर आपको चाहिए डी ब्रुइने फटाफट गोल मारे, दूर दूर से गोल मारे, तो बेस्ट फॉर्मेशन है पिंग पोंग। यार पिंग पोंग में एमएफ के लिए खिला दो बस। जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे मैंने जैसे ही देखा कि डी ब्रुइने रन दे रहा है, सिंपली रॉस पॉट के साथ एक पास दे दिया आराम से और शूट। भाई सोचो मत, भूल से भी टर्निंग शॉट मत मारना, नॉर्मल शॉट मारो, गोल हो जाएगा, लिख के ले लो, ठीक है। अब देखो सेम चीज दूसरी बार, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो तीसरी बार। तो डी ब्रुइने ऐसे तो रन नहीं करता, लेकिन आप अगर उसको रन करवाओगे, बंदा बहुत भयंकर रन करता है, ठीक है। ऊपर से आप अगर ऐसे पास दो, सिंपली नॉर्मल शॉट मारो, गोल, जाल फाड़ देगा भाई, देखा। अब फिर से देखो, यहाँ जैसे मुझे बॉल मिला, भाई कौन सा पैर, कितना पैर, कुछ नहीं देखना, बस शूट कर दो, उसके पैर में बॉल शूट कर दो, यहाँ पे देखो शूट कर दिया, गोल। तो यही है कुछ चार टिप्स आप डी ब्रुइने को यूज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए। गुड बाय।